एहन दोस्तों, आज संडे है तो ओआरओपी पर बड़ा घमासान महारैली महासंघ का ऐलान शायद जल्दी शाम तक हो जाएगा। बड़ी मीटिंग चल रही है और ये रेवाड़ी में चल रही है और अंदर का आप देख सकते हो नजारा, किसी बड़ी शानो शौकत से बैठे हैं करीब 50 लोग और बात चल रही है और उस पर बात कहा जा रहा है कि अब ओआरओपी पर आर पार की लड़ाई है। एमएसपी पर जो मामला चल ही रहा है, इक्वल एमएसपी का, पीएमआर को भी मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और ओआरओपी पर हमने एकजुट होना है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है और उसके बाद हम जमीन पे उतरेंगे या कहां जाते हैं वो बात की बात है। लेकिन मैं वहां का आपको सुंदर और भव्य नजारा दिखाना चाहता हूं कि बड़ा आलीशान अंदर का नजारा है और आप देख सकते हो अच्छा मीडिया का बंदोबस्त है और वहां पर उनके प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि यहां पर बात रखनी है तो किस तरीके से रखनी है। बड़ा ज्वलंत मुद्दा, 1-1-65 के तो जो विसंगतियां हैं और दूसरी चीजें हैं, इक्वल एमएसपी का मैटर है, डिसेबिलिटी पेंशन का है, जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है, हमें लगे तो शायद हमको सहयोग मिल सकता है। अपना परिचय न देते हुए हम पॉइंटों पर और जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं उसके ऊपर बात करें ताकि हम ग्राउंड में उसका इम्प्लीमेंट करें और जेसीओ जवानों को, वीर नारियों को न्याय दिला सकें। शायद ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बड़े चैनल पे तो आप देख रहे हो। जरा मैं अब बात करता हूं एक और वीडियो जो कि जमीन के ऊपर बैठ करके हो रहा है और जंतर मंतर पर हो रहा है और वहां पे भी बोला गया है कि बस अभी हम अगले वीक यानी मंडे या ट्यूजडे को बड़ा ऐलान करेंगे कि अब हमने जमीन पर कहां एक्सिलरेट करना है, यानी जमीन पर हम क्या काम करेंगे। लेकिन इसके बीच बहुत सारी छुटमुट बातें भी हो रही हैं कि जेसीओ आखिर जो रीड की हड्डी होते हैं वो क्यों इतने रिजर्व नेचर में चले गए हैं कि वो आगे अग्रेशन दिखाना नहीं चाहते। यानी कोई भी मूवमेंट है उसके लिए आपको सिलसिले बार आगे बढ़ना होगा और जैसे पहले दिन से यही कहा है कि जो सेना की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो होता है सूबेदार रैंक। और भाई हमारे जो सूबेदार हैं ऑन रेडी हैं, अगर हम बात करें कि भाई 1000 संस्थाएं हैं पूरे देश में, 1000 संस्थाओं के 99% प्रधान कौन है, सूबेदार ऑन रेडी। पहली बात ये, कल के वीडियो में मैंने यही कहा कि भाई इस धरने को लेकर चलने वाले भी सूबेदार ही हैं और जो तोड़ने वाले हैं या आपने जो ऑडियो वीडियो लेख बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मीटिंगें कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, आपने गूगल मीटिंग देखी होंगी, जूम मीटिंग देखी होंगी, उनके अंदर भी सारे सूबेदार ऑन रेडी हैं। एक बात तो या कि यहाँ आ गई। अब इस चीज़ का भी मैं उदाहरण दूंगा एक हरियाणा से और हिमाचल से, आपको अगर समझ में आए तो। सैनिक भाई 2015 में यहाँ पर एक मेजर जनरल का धरना चला, उसके अंदर पूरे देश के जो भी संख्या बल लेके आते थे वो कौन लेके आते थे, सूबेदार ऑन रेडी। और जब रक्षा मंत्री से मीटिंग हुई या माननीय प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई या रक्षा मंत्रालय के जो सिविल ऑफिसर हैं उनके साथ में मीटिंग हुई, उनके अंदर एक भी सूबेदार ऑन रेडी नहीं गया अंदर मीटिंग, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ तक रहे स्टेज तक, स्टेज के ऊपर उनकी माइक दे दिया, माइक के ऊपर धड़ पकड़ रही कि मैं प्रधान हूँ, मैं फलानी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं फलानी का हूँ। अगर ये उस समय उस मीटिंग में जाते तो वन रैंक ऑन पेंशन में ही हमारी समस्या सोल्व हो जाती उसी समय, पर ये नहीं गई क्योंकि जहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर होगा या वहाँ पर कभी प्रधान बनेंगे नहीं, यहाँ पर जहाँ जवान होंगे वहाँ ही प्रधान बनेंगे। अब दूसरी चीज देखो, इंडियन एक्ट शुरू में लीक है, 65 में 66 में खड़ी करी गई फील्ड मार्शल करिप्पा के द्वारा। जैसे सरकार नहीं मानती है तो थोड़ी उग्रता जरूरी होती है, जैसा कि आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, चाहे आपने ट्रक ड्राइवर यूनियन का आंदोलन देखा होगा, दो दिन में उन्हें न्याय मिल गया और न्याय के लिए जैसे कि सरकार यदि हमारी उपेक्षा कर रही तो सरकार को जगाने के लिए हमें जोर जोर से अपनी बात रखनी होगी। और जंतर मंतर पर जहां पर कपिल जो बातें कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत लंबा 2014 में शायद ये हमें मिल जाता न्याय, लेकिन हम लोग इकट्ठे तो होते हैं लेकिन हम आंख बंद करके सेना के अधिकारियों की बात, जो कि सेना के अंदर हमारी जो सिखलाई है उसी तरीके से हम यहाँ चलेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो तो शुरू से अपना यानी पद और हक और प्रतिष्ठा को सबसे पहले रखते हैं
और उन्होंने एक बात सच कही कि जितने भी एक्सक्लूसिवली बड़े बड़े चुनाव होते हैं जहां पर अधिकारी, तो वो खुद ही पदों पर बैठते हैं, खुद ही सरकार से बात कर रहे हैं। आपका रहता है आप जैसे बानर सेना की तरह पीछे घूमते रहो, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते रहो, उनके सारे पे जय बोलते रहो। अब आपके साथ छल हुआ है, हम सबको पता है, तो फिर आप अपना किनारा करके जो भी जेसीओ है, जो भी ऑनरी कमीशन है या सीनियर एनसीओ मिल करके काम करें, आगे बढ़े अपने हकों के लिए। और इसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं, हमारे काम पर बहुत सारे लोग अंगुली उठा रहे हैं, हमारी भाषा पर, हमारे व्यवहार के ऊपर। अब वो हमारा जो रवैया है वो सरकार के प्रति भी ऐसा ही है, क्यों क्या क्या ना करें, हमने हाथ पैर जोड़ लिए, सारी चीजें कर ली और कई तमाम इस तरीके के बातें हो रही हैं कि नहीं, ये विचार मंथन हो रहा है, यानी आत्म मंथन भी है, विचार मंथन भी है, और एक दूसरे को साथ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि नहीं, अपनी आत्मा को जगाओ और इस लड़ाई में हमारा सहयोग करो, क्योंकि अब लड़ाई के लिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा है दोस्तों। तो आपको ये दोनों वीडियो में आपको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप देख सकते हो, और इधर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के शाम को बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, और इधर हो रहा है कि बस जल्दी घोषणा होगी कि हमें चाहे रेल रोकनी पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे मुझे संसद की तरफ जाना पड़े, हमें रोडों पर उतरना है, हमें चक्का जाम करना है, हमें अव्यवस्था अब करनी, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है। आप किसका पक्ष देते हो जरूर आप कमेंट्स करके हमें बताएं। धन्यवाद। शनि भाई, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जंतर मंतर से लाइव कपिल फौजी भाई। मैं जंतर मंतर का एक बार सीन दिखा देता हूँ आपको, और आपको वो धरना भी जो पिछले 11 महीनों से जवान जेएसयूज जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मांगों के लिए चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो भाई, पंजाब से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सूबे प्रधान होलदार तस्वीर जी हैं, जनक राज जी हैं, विजय जी हैं, और भाई नायक हैं, जिला प्रधान नायक सुरजीत, नायक सुरजीत जिला प्रधान अमृतसर, और सैनिक साथी हैं भाई और भी आ जाते हैं। हेलो अशोक अहलावत भाई, बहुत बहुत आपको राम राम भाई। पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़बरदस्त आएगा, मैं इन्हीं से भी बात करवाऊँगा सभी से। ये जनक राज है भाई, ये सबसे पहले राम राम भाई, जंतर मंतर की जो भी खबर है वो डायरेक्ट आती है जनक राज के एक यूट्यूब चैनल, हमने शुरुआत करवाई है यहाँ से, क्योंकि मैं भी उन खबरों को नहीं डाल सकता इतनी, पर आप लोगों को जनक राज वॉइस के, जनक फौजी वॉइस, जनक फौजी वॉइस आप यूट्यूब पे उसको सर्च कर सकते हो, और सीधे पल पल की खबर है उसे आप जुड़ सकते हो जंतर मंतर, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक स्टेप लिया जाएगा, आंदोलन की घोषणा होगी बहुत बड़ी। इसके बाद में जनक राज सर एक बार मेरी तरफ है, हाँ जी राम राम, मेरी एक बार पकड़ोगे ना? पक्का, ये तो ऐसे है, लो तो आप लो सैनिक भाई, कल एक वीडियो डाला था मैंने, उसके बाद में पूरे देश भर के जो हमारे जेसीओ साहिबान हैं उनके दबा के मैसेज आए इसमें कि कपिल भाई बिल्कुल आपने सच कह दिया, 100% सच कह दिया। बहुत सारे जेसीओ साहिबान ने उसमें लिखा कि कपिल भाई हमने 11 महीने में आपके शब्दों को सुना है कि आपने हर वीडियो में कहा है कि जो चल रहा है, मेरी तरफ चल रहा है, किस तरफ चल रहा है वही तो मैं देख रहा हूँ, साइड से करना है, हाँ मेरी साइड नहीं जाएगा, अभी हो गया। तो बहुत सारे मैसेज आए, उन मैसेजों को पढ़ना है जाके हजारों की संख्या में, तो हमारे सूबेदार साहब को कहना चाह रहा था मैं कि मैंने पहले इसमें सदस्य नहीं दी गई जवान जेसीओज को पहले दिन, इसके बाद में देखा कि यार जवान जेसीओज तो है नहीं इसमें, इनको सदस्य दो, फिर नहीं तो हमारी जो सर्दी के समय अंदर से कुर्सी कौन लेके आएगा और बाहर धूप कौन सिखाएगा, सदस्य दी। अब ये भी देखो कि इंडियन एक्सरिसमेंट लीग में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक जो डेलीगेट हैं, जो प्रधान हैं, वो कौन है? 90% जेसीओज ओन रेडी, और ये सब मिलके एक प्रधान नहीं बना सके, मतलब 65 से लेकर आज तक, मतलब 60 साल हो गई, ये 60 साल में प्रधान नहीं बना सके। दूसरा उदाहरण आओ,
हरियाणा में एक इंडियन एक्सर्विसमैन लीग, उसके अंदर 106 डेलीगेट है, 106 डेलीगेटों में से 90 जो डेलीगेट हैं वो सूबेदार ऑनरेडी हैं। 21 डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो प्रधान हैं वो प्रधान प्योर जेसीओज हैं। अब ये भी देखो तस्वीर जी, इसी साइड में रखो। अब ये भी देखो कि 106 डेलीगेट होने के बावजूद और 90% जेसीओ जो ऑनरेडी डेलीगेट होने के बाद में हरियाणा में ये अपना प्रधान नहीं बना सके एक, और जंतर मंतर के धरने के साथ में सिर्फ 3-4 डिस्ट्रिक्टों के प्रधान 20 फरवरी से यहाँ आए हैं, हाजिरी लगाई, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी कहाँ है, 90% कहाँ है? इव हिमाचल का लो उदाहरण, अभी मेरे ख्याल में कितने दिन हुए चुनाव हुए, अभी मेरा डेढ़ को मेरे ख्याल में चुनाव हुए हैं, 10-15 दिन हुए हैं, एक सूबेदार प्रधान में उठा हिमाचल में, कांगड़ा का था क्या नाम था। अब उस सूबेदार को किसने हरा दिया प्रधान बनने में? सूबेदारों ने। इवी ये बात सच है, इस पर किसी को मिर्ची लगे तो भाई लगे, क्योंकि ये तो देखना कि आप लाइन से इस तरफ हो या लाइन से उस तरफ हो। अब बताओ हिमाचल में किसने हराया एक सूबेदार को? मतलब सारे मिलके अपने लिए एक प्रधान नियुक्त नहीं कर सके। अभी और भी आओ, इवी इस लीग के अंदर जो सदस्य हैं वो सदस्य कौन हैं? 90% सिपाही से हौलदार। हम वोट देते हैं विश्वास करके सूबेदार जनक राज को, और जनक राज क्या करता है, उन वोटों का सौदा कर देता है, ये फलाना ये टीएस बैठा है इधर, एक अपना मान लो ये कर्नल बैठा है, इसको सारी वोट दे के आ गया हमारी। जनक ने क्या, हमने तो दिया जनक सूबेदार जनक को वोट, और जनक ने दे दिया उसके पास में, ये बताओ। तो पैसा लेके देते कि ऐसे करते, क्या करते हैं? सब कुछ होता है। हरियाणा के अंदर बिजली बोर्ड का ठेका है, तो पूरे सैनिकों को लगाया जाता है मीटर रीडिंग में, और सरकार से पैसा मिलता है। 2004 से लेके 2017 तक हरियाणा सरकारी विजिलेंस ने रिपोर्ट दी कि 60 करोड़ रुपया खाया गया है। 2017 की रिपोर्ट है कि इतने सालों में 60 करोड़ रुपया खाया गया, और उस रिपोर्ट के ऊपरले खाने में कोई हरियाणा में मेरे हिसाब से हर आदमी को पता है, सैनिक विधवाओं के नाम से, सैनिकों की जो बच्ची हैं उनके नाम से, सिलाई मशीनों के नाम से, इन चीज़ों के ऊपर। अब बताओ ये किसने खाया? इसमें भी एक बात और है कि जो हरियाणा में बिजली बोर्ड में तो सिपाही से हौलदार तो रीडिंग लेते हैं, उनके ऊपर एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज सुपरवाइजर, उसमें जेएसयूज हैं सारे के सारे। अब उन्होंने भी वहाँ से पैसा इकट्ठा करके दूसरी जगह दिया। इसके अंदर जो हरियाणा में आया एक ब्रिगेडियर था, उस ब्रिगेडियर ने मतलब एक हफ्ता सुबह वसूली रख रखी थी कि हर महीने मेरे को इतने इस डिस्ट्रिक्ट से निचले दरवाजे से मेरे को 2.5 लाख रुपये आएंगे, 3 लाख आएंगे। उसकी जमीन बीकानेर में जमीन खरीदी उसने, वो जमाबंदियाँ आउट होगी, वायरल होगी। आज हम उस घड़ी में हैं जिस घड़ी में कि भाई अगर जो हमारे जेसीओ साहिबान थे वो 2015 में ही सावधान हो जाते और 2015 में ही मीटिंगों के अंदर जाने लग जाते कि भाई वहाँ पे क्या प्रपोजल रखा गया है क्या नहीं, तो आज हमने यहाँ पे नहीं बैठना पड़ता। आज सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सिपाही से होल्डर। आपका मतलब है भी जब जाते थे मीटिंगों के लिए और ये अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही खड़े रहते? एक भी नहीं है पूरे देश में से एक भी, और चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की, चाहे राजस्थान की, चाहे उत्तर प्रदेश की होती, जो गाड़ियाँ आती हैं 20-30 गाड़ियाँ एक एक जेसीओ साहिबान लेके आता है यहाँ पे, वो गांव से तो 4 गाड़ी लेके आता, यहाँ पर 40 गाड़ी लिखवाता कि मेरे पास में 40 गाड़ियाँ आई हैं, 40 गाड़ियों के पैसे खाता। जो ऊपर वाला था, जो ऊपरला रैंक था, वो उन 40 गाड़ियों की जगह 80 गाड़ियों का खाता। मतलब यहाँ पर ये चला है, ये लीग तो सबने पता है लीग वाला था, ये लीग वाला का धरना की बात नहीं कर रहा मैं, 2015 की कर रहा हूं, जो 2015 में वन रैंक वन पेंशन का चला जो जनरल सुधीर वाला, वो 2015 वाला ही, 2015 वाला उस, यही चीज है। मैन इवे देखो, मेरे कोई भी कॉमेंट गलत नहीं है, पूरे देश के जो जेसीओ साहिबान है उन्होंने सराहा है, और मैंने जो जंतर मंतर के धरने के साथ में है पहले दिन से हैं जो जेसीओ साहिबान है ऑनरेडी है, जो 10% है,
हम तो उनको सर माथे लगाए, मैंने तो कल भी कहा है कि भैया बापू प्रगट साहब है वो टंकी के ऊपर चढ़ जाता है। चार व्यक्ति चढ़े थे ना टंकी के ऊपर, चार में से तीन तो जवान थे, दूसरा अपना लुधियाना वाला क्या नाम है त्याल सिंह जी एयरफोर्स का सार्जेंट वो भी था, बलविंदर साहब भी था, वो भी हवलदार था। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब आपको मैं रोकता हूँ, आपका कहने का मतलब ये है को स्पष्ट होना चाहिए कि जो जंतर मंतर से शुरू से जुड़े हैं जेसीओ ऑनरी कैप्टन कोई भी है उनके लिए नहीं आपने बोला, आपने उनके लिए बोला है जो पिछले रास्ते से जाते हैं। वो तो जाते नहीं, वो तो सबने देख लिया, ऑडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई, वो भी प्रधान है और 20 फरवरी से इस धरने के खिलाफ है। 20 फरवरी से लेकर आज तक कौन है इसके खिलाफ में? इक्के दुक्के हैं सिपाही से हवलदार, इक्के दुक्के हैं जो 24 इंच वाली साइकिल वाले हैं, उसके बाद मतलब 100% कौन है? वही आदमी। एक चीज देखो, एक 27 मई को यहाँ पर कब्जा लेने की कोशिश करी जंतर मंतर पे, उसके पीछे कौन था? एक रोहतक का एडवोकेट कैप्टन, उसने जवानों के दिमाग में कुछ भर के और यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचा दिए भाई। इसके बाद में आपने जितने भी ऑडियो वीडियो सुनी होंगी या ये जो ये जूम मीटिंग कर रहे हैं या तीसरे दिन इस धरने को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ये भी छोड़ो, 3 अप्रैल की कॉल से पहले पंजाब में क्या हुआ वो आप लोगों को मालूम है। 20 फरवरी की कॉल करी कि भाई 20 फरवरी को जंतर मंतर चलेंगे पंजाब के अंदर, वो नाम बताओ जो कैप्टन थे जो सूबेदार थे जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली नहीं जाएंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम मांग पत्र दे देंगे। ये आपको मालूम है? हाँ, पता मेरे को। कौन सा संयुक्त मोर्चा है मेजर जनरल का, नाम लेने की जरूरत नहीं, वो मालूम है? पता उन्होंने, उन्होंने करीब है, उसमें कोई जवान था नहीं था 20 फरवरी के धरने के लिए कि नहीं वहाँ जंतर मंतर पे संख्या बल नहीं पूछेगा, पंजाब का जो सबका सैनिकों का संख्या बल है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वही हाँ वही रख लेंगे। 3 अप्रैल की जो कॉल हुई उसके खिलाफ कौन आए ये देख लो। मैं वो कह रहा हूँ जो हमारे जो मतलब एक ये कहते हैं, जो आप इन प्रधानों को देखोगे ना, मैं ज़्यादा नहीं तो हरियाणा के प्रधानों की बात करूँ, पंजाब सूबे के प्रधानों की बात करूँ, लिख के तस्वीर जी इन ये अच्छे खासे हैं, मजबूत हैं, परिवार से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, सारे सूबेदार हैं ऑनरेडी हैं जो प्रधान बन के बैठे हुए। अब ये क्या करते हैं,